क्योंकि यहाँ पे भाई प्रोस्टिट्यूशन और ये जो वीड वगैरह ये सब कुछ लीगल है, इसलिए जो रेड लाइट वाला एरिया है ना वो भाई बिल्कुल सेंटर टूरिस्ट जगह पे ही बना हुआ है, जहाँ पे फैमिलीज वगैरह भी आती है दिन में। ये भाई यहाँ का बहुत फेमस कैफे है द बुलडॉग करके, फूकना भी वो सिगरेट नहीं भाई साहब, वीड वगैरह भाई साहब बोट के अंदर ही सीक्रेट कंपार्टमेंट बना रखे और उसमें बियर की पेटियां पड़ी है, देखना कितनी सारी। हो भाई साहब यहाँ पे हर जगह भाई दारू बियर गांजा यही सब दिखेगा आपको आसपास। ये है भाई हाउस बोट, देखो बंदा अंदर मीटिंग कर रहा है, इन्होंने करेंसी का कलेक्शन रख रखा है और अपना इंडिया का भी 10 रुपए का नोट है यहाँ पे। ये क्लिप रिकॉर्ड करते करते ना गलती से मैं रेड लाइट एरिया में घुस गया था और वहां पे भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, अंदर विंडो से एक लड़की ऐसे थप थप कर गई थी, नो वीडियो नो वीडियो, तो भाई साहब मेरी फट गई। अच्छा अपने जो इंडियन क्रिकेटर है ना सुरेश रायना, उनका एक रेस्टोरेंट खुला है भाई, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ एम्स्टरडैम में, एम्स्टरडैम की पतली पतली गलियों में से निकलते हुए जा रहे हैं भाई रेड लाइट एरिया के लिए, और इसके आगे से कैमरा या फोन यूज करना अलाउड नहीं है क्योंकि पुलिस की भी गाड़ियां घूम रही है यहाँ पे काफी ज्यादा। ये देखो भाई पुलिस की गाड़ी में कह रहा था ना, वो यहीं पे ही जो है घूम रही है। ये है भैया एम्स्टरडैम का फेमस रेड लाइट एरिया पूरा का पूरा, ये वाली स्ट्रीट भी और ये वाली स्ट्रीट भी, वो आगे तक देख रहे हो आप लाइटें चल रही है जहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हुए। भाई साहब मेरा फोन ही उठा के ले गया बंदा, मतलब यहाँ रखा हुआ था हम यूं बैठे हुए नॉर्मली, पीछे से आया और कब ले गया पता नहीं चला। फाइनली भाई लोग अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन या फिर ड्रीम कंट्री ड्रीम सिटी आप बोल सकते हो एम्स्टरडैम नेदरलैंड में मैं आ चुका हूँ, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा। ओए होए होए भाई, मतलब ऐसे ना सपना सा लग रहा है कि अभी भी कि हाँ भाई साहब मैं एम्स्टरडैम में हूँ। सही में 6 साल से सपना लेता था मैं कि हाँ यार एक दिन जाऊंगा एम्स्टरडैम, एक दिन जाऊंगा और फाइनली भाई आज आ गया हूँ। अभी फिलहाल तो हम थोड़ा जो सिटी सेंटर है ना उससे 8-9 किलोमीटर बाहर की तरफ रुके हुए, अभी शेख के दी जीजू है उनके अपार्टमेंट में, कल वाले ब्लॉग के एंड में मैंने शायद दिया होगा रूम टूर, इसलिए अभी यहाँ से हमें ट्रैम पकड़ के जाना है भाई मेन सिटी सेंटर। ये पूरा का पूरा ना भाई रेजिडेंशियल एरिया है क्योंकि मैंने बताया ना उनका अपार्टमेंट है यहाँ पे, क्योंकि पार्किंग हमने स्ट्रीट पे करी नहीं, एक अलग से पार्किंग ले ली थी अंडरग्राउंड वाली, वहाँ पे अब पैसे कितने लगेंगे वो तो जब हम निकालेंगे ना जब ही पता चलेगा। यहाँ के घर वर देख लो भाई साहब क्या तगड़े बने हुए हो, ज्यादातर लोग एम्स्टरडैम में साइकिल यूज करते हैं इसलिए घरों के बाहर में बहुत सारी साइकिलों के झुंड दिख जाएंगे। बाकी एक और नया दिन एक और नई जर्नी, आज 26 जुलाई 2023 मैं हूँ अभी नेदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम में, आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप में हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम टोटल 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के फाइनली पहुंचेंगे लंदन यूके में। तो भाई बहुत ही मस्त ऐसे एपिक वाली रोड ट्रिप है एंड वीडियोस भी खतरनाक आ रही है, आप सपोर्ट भी अच्छा दिखा रहे हो ऐसी दिखाते रहना, 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने घर जाने से पहले, और इस वीडियो का लाइक एम रखा हुआ है 70,000 का, आई नो आप लोग करवा दोगे पूरा। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो ना यहाँ पे अपार्टमेंट बने हुए 2 BHK 3 BHK रेंट पे भी है और काफी लोगों के खुद भी है। बाकी भाई चेहरे पे मेरे खुशी देख ही रहे होंगे आप, अब ये 3 दिन खुशी रहने वाली है ऐसे ही क्योंकि होए ड्रीम कंट्री भाई। ईवीवी करके ऐप है यहाँ पर, देखो आपके पास 1 घंटे का 24 घंटे का 48 घंटे का और 72 घंटे का पास मिल जाएगा, तो ये लेना था मेरे को 72 आवर्स वाला, 21 यूरोस का है यानी कि इंडिया के 2,000 रुपए। ये खरीद लिया मैंने पास, अब इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, लेट्स गो भाई। चलो अब देखो 29 जुलाई तक ये वैलिड है 3:30 तो ये कहीं पे भी ना ऐसे दिखानी नहीं पड़ती, बट कोई भी टिकट चेकर आता है तो फिर वो मांग सकता है तो उसको दिखाएंगे। लो भाई साहब आ गया है यहाँ का ट्रैम स्टेशन, वो सामने दिख रहा है आपको उधर की साइड में, वहां जाके अभी आपको ना ये एरिया खाली लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, बट एम्स्टरडैम में इतना टूरिस्ट आता है कि ऑफिशियली यहाँ की गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भाई टूरिस्ट आना कम हो जाए इस जगह पे। तो ट्रैम थोड़ी है तो ट्रेन की पटरी लग रही है पूरी, 26 नंबर ट्रैम पकड़नी है, 9 स्टेशन के बाद पहुंचा देगी हमें सेंट्रल स्टेशन तक। रोजी लो आ गई है 26 नंबर, इस तरह से बटन दबाना होता है, खुल जा, नहीं चल रहा भाई आगे जाना पड़ेगा, ये भी नहीं खुलेगा, ये जो QR कोड था इसे स्कैन करना पड़ेगा। ओके एक्चुअली कुछ कंट्रीज में जब हम पास खरीद रहे थे ना वहाँ पर नहीं दिखाना पड़ता था भाई ऐसे, लेकिन यहाँ पे स्कैन करना पड़ा। करना पड़ा भाई स्कैन तभी गेट खुला है, वो गेट मतलब वो वाला गेट नहीं वो छोटे वाला। लो जी लो हम आ गए हैं एम्स्टरडैम के सेंट्रल स्टेशन पर, यहाँ तो भाई साहब पूरा नजारा ही बदल गया, जो बाहर का एरिया था वो अलग ही आर्किटेक्चर था और यहाँ का बिल्कुल अलग ही है। Thank you.
भाई साहब पूरा ब्लैक मैट कर रखा है। ये एम्स्टरडैम की फेमस कैनाल, यहाँ पे भी हम बोट राइड लेंगे जिससे कि पूरा एम्स्टरडैम घूम सकते हैं। इन्हीं में एम्स्टरडैम का जो सेंटर है ना, वहीं पे भाई फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, तो शुरुआत हम वहीं से ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाई प्रोस्टिट्यूशन और ये जो वीड वगैरह ये सब कुछ लीगल है। इसलिए जो रेड लाइट वाला एरिया है ना, वो भाई बिल्कुल सेंटर टूरिस्ट जगह पे ही बना हुआ है, जहाँ पे फैमिलीज वगैरह भी आती है दिन में। अभी दिन में इतना कुछ नहीं होगा, मेन तो रात को होता है वहाँ पे जो होता है। नेदरलैंड ना यूरोप की 22nd स्मॉलेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड रैंकिंग में 135th नंबर पे आती है लैंड एरिया वाइज। टोटल एरिया की बात करें तो वो है भाई 41,850 किलोमीटर स्क्वायर। ज्यादा बड़ा देश नहीं है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है। पूरे नेदरलैंड में अराउंड 18 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से भाई 8 लाख लोग तो इनकी कैपिटल सिटी एम्स्टरडैम में ही रहते हैं। पॉपुलेशन ना इस कंट्री की बहुत ही कम है, बट यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आपको ना भीड़ भड़क का ज्यादा दिखेगा। बट जो आउटर एरियाज है ना, वो सुनसान पड़े रहते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना वो एरिया। बाकी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियली डच चलती है, बट इंग्लिश भी बहुत लोगों को आती है यहाँ पे। ये स्ट्रीट देखोगे ना भाई, यहाँ पे गाड़ी ले जाना ना बेवकूफी वाली चीज है, क्योंकि सब लोग पैदल और साइकिल से ही चल रहे हैं। यही रीजन है हमने भी अपनी स्कॉर्पियो को पार्किंग में छोड़ा और खुद ट्रैम से आया है। वैसे अगर स्ट्रीट चौड़ी भी होती तब भी मैं नहीं लाता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता, बट एम्स्टरडैम में तो लाना ही बेवकूफी होगी। अंदर का जो बिजी एरिया था भाई, वहां से निकल के ये मेन स्ट्रीट में आ गए। यहाँ पे पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, तो एक ये ब्रांड है प्राइमार्क, ये यूरोप का ना काफी फेमस स्टोर है, जहाँ से आप कपड़े वपड़े खरीद सकते हो सस्ते में। तो मेरे को जैकेट लेनी है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे और मेरे पास सारी हाफ टी शर्ट या शर्ट है, तो एक दो जैकेट या फिर हुडी लेना बनता है। ये देखो भाई टेस्ला जा रही है भाई साहब, सामने भीड़ देखना कितनी है, वो ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़े चल रहे हैं छोटे छोटे। चलो बाकी कपड़े ले लेते हैं, फटाफट से शॉपिंग हो जाएगी। वैसे अभी खाली देख लेते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा स्टोर है, नीचे पूरा लड़कियों का, ऊपर की तरफ है लड़कों का सेक्शन। भाई साहब ये तो पूरा मॉल ही है एक तरह से, 5 फ्लोर का, जिसमें से 3 फ्लोर पे लड़कियों के कपड़े है, 1 फ्लोर पे बच्चों के है, और शायद से बेसमेंट वाला जो है ना -1 फ्लोर उसमें लड़कों के, तो वहीं जा रहे हैं अभी नीचे। कलेक्शन लेकिन इनके पास बहुत तगड़ा तगड़ा है भाई, और कितने का, 14 यूरो 15 यूरो, मतलब कि 1400 रुपए 1500 रुपए, तो सही है रे भाई साहब, नेक्स्ट लेवल कलेक्शन है यहाँ पे तो लड़कों के लिए। बॉक्स देख लो, चप्पले देख लो, जूते देख लो, 3 यूरो 300 रुपए की 5, सही है बहुत सस्ती। ये सारी हुडीज, इसमें से ही एक दो पसंद कर लूंगा, देखना कैसे ऐसे लग रहा है कि बस फेंक रखी है। ये जैकेट है थोड़ी सी, वेस्ट में जो फैशन चलता है ना भाई, उसी तरह के कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में ऐसा कलेक्शन मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो कितना सही लग रहा है, लग रहा है आज शॉपिंग करनी पड़ेगी यहाँ से अच्छी वाली। तो 3-4 चीजें पसंद कर लिया, बट अभी लेकर नहीं आए क्योंकि पूरा दिन फिर कहाँ लेके भटकेंगे, शाम के टाइम जब निकलने लगेंगे ना तब ले लेंगे। एंड मेन सिटी सेंटर में भी ना ये काफी बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है, यहाँ पे भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो अपनी। ये भाई यहाँ का बहुत फेमस कैफे है, द बुल डॉग करके, और कैफे से गलत मत समझना, वो कॉफी वाला कैफे। यहाँ पे कैफेज में फूकना अलाउड है, तो इसलिए फूकने वाली जगहों को कैफे बोलते हैं। फूकना भी वो सिगरेट नहीं भाई साहब, वीड वगैरह। ये मेन एरिया है भाई एम्स्टरडैम का जो सेंटर है ना, यहीं पे कैनाल है, वो ब्रिजेस है, इधर की तरफ आपको ये बुलडॉग होटल एंड लाउंज बार मिल जाएगा और वहां पर फ्राइज वगैरह मिल जाएंगे। डच फ्राइज भी काफी फेमस है, बट अभी भूख नहीं लग रही, थोड़ा आगे जाते एक्सप्लोर करते हैं फिर दिखाऊंगा खा के। बाकी पानी तो भाई साहब बड़ा ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है, लेकिन भाई साहब सिटी का जो नजारा आता है ना वो इसी में आता है। ये जो बोट जा रही है ना भाई, ऐसी हमें भी जाना है कैनाल टूर। गूगल से अभी एक टूर एजेंसी का निकाला है एड्रेस, वहां जा रहे हैं, उनसे पता करते हैं कितने घंटे का कितने रुपए। हर जगह भाई साहब ऐसे धुआं धुआं सा उड़ रहा है, वीड की खुशबू सी आ रही है। एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता कैसी खुशबू होती है, बट यूनिक है, कुछ तो अलग है कि यहाँ लोग फूक रहे चलते फिरते यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ से चल रही है ये बोट राइड्स, और यहीं पे ही एजेंसी दिखा रहा है इधर कहीं पे। अब ऐसा नहीं कि भाई एक मेरी ड्रीम कंट्री है इसलिए मैं ज्यादा तारीफें कर रहा हूँ भाई, मतलब यहाँ का माहौल ही अलग लग रहा है। कुछ चीजों को हटा दिया जाए, इसके अकॉर्डिंग तो यहीं पे है भाई, या तो मेरे को लग रहा है वहीं कोई खड़ा होगा कोई बंदा, मतलब जो बुक करता होगा, यहीं से ही बुकिंग हो रही है भाई। वो एक बोट तो गई, अब अगली बोट लग गई है, इसी में शायद हमारा नंबर है। बुकिंग तो क्या, वो कह रहे डायरेक्टली आके यहाँ पे सीधा चढ़ सकते हो, पूछ लेता हूँ कितने रुपए में। बट इसमें तो भाई बार बार पूरा बना रखा है इन्होंने, ड्रिंक्स भी देते हैं शायद से। एक घंटे का टूर है भाई, 6 बजे शुरू होगा, 7 बजे यहीं पे आके छोड़ देंगे, 20 यूरो यानी कि 2000 रुपए। अभी अभी ये टूर करके ही आई है बोट, साफ सफाई कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम जाएंगे। और अगर आपको ड्रिंक्स वगैरह लेनी है तो आप ऊपर ही ले सकते हो पैसे पे करके, और अगर आप अनलिमिटेड बियर लेना चाहते हो तो 32 यूरो का है, यानी कि 3200 रुपए। तो जिनको पीनी है भाई सही है, एक घंटे में पी लेना दबा। वो जो बुलडॉग कैफे है ना सामने भाई, उसके जस्ट ऑपोजिट ही यहाँ से बोट चलती है भाई साहब। बोट के अंदर ही सीक्रेट कंपार्टमेंट बना रखे और उसमें बियर की पेटियां पड़ी है, देखना कितनी सारी। हो भाई साहब यहाँ पे हर जगह भाई दारू बियर गांजा यही सब दिखेगा आपको आसपास। हो गई है भाई बोट साफ, चलो चलते हैं, लेट्स गो। यार लास्ट की सीट चाहिए थी वहीं पे, वहीं से ही नजारा दिखेगा, वही तो पीछे की चाहिए थी, मैं पीछे ही की चाहिए थी। एंड टेबल्स भी लगे हुए हैं, जो ड्रिंक विंक करेगा रख सकता है। बट हमें तो भाई पूरा टूर लेना है, क्योंकि फर्स्ट डे आज एम्स्टरडैम में, और कैनाल टूर के थ्रू ना हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है। फिर कल
हमारा प्लान है, साइकिल रेंट पे लेंगे पूरे दिन के लिए और फिर पैदल पैदल साइकिल के थ्रू ही जो है वो अपना एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखो ना, इतना पानी गंदा नहीं लगता, और यहाँ आके देखो कितना गंद मचा रखा है। उन भाई साहब ने वहाँ देखो बियर ही उलट दी उसमें पानी। चलो जी भाई, एग्जैक्ट 6:01 पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ का सबसे ओल्ड टाउन है और इसी के साइड में जो गली है भाई पूरी की पूरी ये है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट या फिर रेड लाइट एरिया। खिड़कियाँ दिख रही है ना, अभी दिन में इन पे पर्दे लगे होते हैं लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ये फुली ओपन हो जाती है। और यहीं पे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब सारे टूरिस्ट फैमिलीज वगैरह यहीं पर ही भटकती है। सोचो आप कह सकते हो काफ़ी अश्लील शहर है ये। ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी पूछना शुरू कर दिया है अगर आपको लेनी है तो। अभी ये मेन सिटी से हमें थोड़ा बाहर की तरफ लेकर गए, वहाँ पे एक दो म्यूजियम वगैरह दिखाए, मतलब अंदर से नहीं बाहर से ही खाली। अब वापस से ये लेकर जा रहे हैं हमें सिटी के अंदर कैनाल कैनाल से, और बीच बीच में नए ब्रिजेज आते हैं भाई सब ऊपर बिल्कुल सर के ही। 6:30 लेकिन सूरज अभी तक सर पे है बिल्कुल। है तो भाई सही में खूबसूरत सिटी, मतलब आसपास के घर आप देखोगे ना मस्त सुंदरता एकदम। काफी सालों पहले यहाँ पे जिनके घर होते थे ना उनसे टैक्स वसूल किया जाता था कि उनके घर में कितनी विंडोज या फिर कितनी सीढ़ियां है उस बेसिस पे। उस टाइम पे लग्जरी ब्रांड्स तो होते नहीं थे रोलेक्स जैसे, तो जिनके घर में ज्यादा विंडोज होती थी ना वो शो ऑफ करते थे कि हाँ हम ज्यादा टैक्स पे करते हैं, और जो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे उनकी विंडोज और ये सब तोड़ दिए जाते थे ओपन में कि इन्होंने टैक्स नहीं भरा। तो ये जो बड़ी वाली विंडोज है इनका अलग टैक्स होता था, छोटी वाली विंडोज है इनका अलग टैक्स होता था। अभी देखो कितनी विंडोज है भाई यहाँ के घरों में। अभी इस वाले ब्रिज के नीचे से निकलने में ना भाई हमें यहाँ जाना है तो मोड़ने में बहुत दिक्कत आई है क्योंकि बोट लंबी है और जगह कम है, तो सेम टू सेम इनको भी यही दिक्कत आएगी। अभी ये पूरा टेढ़ा मोड़ेंगे फिर इधर की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे ऐसे। ये ब्रिजेस देखो भाई नीचे से कैसे है, पतली पतली ब्रिक्स लगी हुई है हल्की हल्की सी, देख रहे हो भाई खूबसूरती भाई। और पार्किंग भी देखो भाई कैसे लगा रखी है, कैनाल के बिल्कुल साइड में गाड़ी खड़ी हुई है और ज्यादातर आपको यहाँ पे साइकिल्स ही दिखेगी क्योंकि मैंने बताया ना बहुत ज्यादा लोग साइकिल्स यूज करते हैं यहाँ पे। और इस घर वाले ने भाई सब जगह बचाने के लिए अंदर की जगह बाहर ही स्टेयर्स दे दी ऊपर तक। इस एरिया में घरों के प्राइजेस तो भाई ऐसे आसमान छू रहे होंगे। ये देखो वापस से टर्न आ गया, हमें यहाँ मुड़ना है तो इन्होंने बिल्कुल स्लो कर लिया ताकि अच्छे से मुड़ सके और फिर जो है वो घूम के इधर से जाएंगे। मेन एरिया में ना कैनाल बड़ी छोटी छोटी सी लग रही थी लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है भाई साहब छोटी नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है ये पानी का। ओ भाई साहब ये देखो कैसा रेस्टोरेंट है, अंदर बिल्कुल ही पानी में डूबा हुआ है नीचे की तरफ। और यहाँ पे काफी सारे हाउस बोट्स है जैसे कश्मीर में होते हैं ना, तो यही आप मेरे ख्याल होटल्स तो नहीं होंगे, लोगों के ही होंगे अपने पर्सनल हाउस। सेम टू सेम इधर की साइड भी है भाई लाइन से, तो इस वाले पूरे कैनाल में हाउस बोट ही हाउस बोट है। हाउस बोट में भी भाई साहब विंडोज ही विंडोज लगा रखी है हर जगह पे, और बाकी नॉर्मल हाउसेज है ही उधर की साइड। जो भाई साहब है ये पूरे गाइड बने पड़े हैं, यही बताए जा रहे हैं हमें चलते चलते, मस्त इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक ये रहा हाउस बोट, और ये हाउस बोट अगर आपको चाहिए ना तो पहले परमिट लेना पड़ता है। वो बता रहे हैं 500,000 यूरो यानी कि 5 करोड़ रुपए का खाली परमिट, और उसके बाद हाउस बोट अलग से खरीदो। एंड ये वापस से एक और ब्रिज के नीचे से हम निकल रहे हैं, नीचे इसका तो लोहे का है भाई पूरा का पूरा। ये है भाई हाउस बोट, देखो बंदा अंदर मीटिंग कर रहा है। ओ भाई साहब पूरा ही घर है ये तो, ये मेरे ख्याल 1 BHK होगा, किचन विचन सब कुछ बना हुआ है। एंड सेम ये रहा एक 1 BHK भाई, कितना सही है यार पानी में रह रहे हो मस्त एकदम। ये लड़की बता रही है Airbnb है ये, तो हम इसको रेंट पे ले सकते हैं भाई, कितना सही होगा ना। बट जब यहाँ पे होटल ही भाई 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के कमरे है, तो ये पूरा Airbnb जो है मेरे ख्याल से मिनिमम 40-50 हज़ार रुपए का होगा, इससे कम तो चांस ही नहीं है। ये देखो कितना सुंदर है यार, सपना है ऐसी जगह पे रह के ना, ज्यादा दिन नहीं 10-15 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं रह जाएगा।
आप इस ब्रिज के नीचे किस करते हो तो आपका प्यार जो है वो अमर रहेगा, बट हम हमारे पास है नहीं यहाँ पे कोई। भाई साहब ये वाली बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची है, अभी तक इतनी फ्लोर वाली मैंने देखी नहीं। यहाँ पे आसपास भी सबके दो फ्लोर ही थे बट इसमें तीन फ्लोर है, तीन भी क्या, ऊपर भी एक छोटी सी खिड़की है, मतलब चार फ्लोर की है ये। चलो जी चलो, एक घंटे का जो टूर है हमारा खत्म हो गया है और बिल्कुल एग्जैक्ट ये देख लो भाई 7 बजने वाले हैं। ओवरऑल भाई बहुत मजा आया, मतलब बिल्कुल ट्राई करना, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ऊपर से महंगा नहीं है भाई, कितना 2000 रुपए में तो ठीक है, ऑनलाइन बुक करोगे शायद से और सस्ता मिल जाएगा, बट ऑनलाइन नहीं किया तो यहीं आके कर लेना क्योंकि बहुत सारी बोट्स है। मारी वाली का नाम था ये फ्रेंडशिप एम्स्टरडैम, और इसके अलावा देखो इस तरह की कवर्ड बोट्स भी मिलती है। और अगर आप जून जुलाई के महीने में आ रहे हो ना तो मेरे हिसाब से शाम वाला स्लॉट लेना 7 बजे का 7 से 8, क्योंकि पूरा अंधेरा तो होगा नहीं, मस्त रोशनी होगी बट सर पे ना धूप नहीं लगेगी। तो ये 6 बजे वाले में सूरज आ रहा था आंखों में। ओ भाई साहब ये वाला तो बिल्कुल नीचे है, अभी देख रहे हो हाथ से भी टच हो गया। तो यही है कि बैठे रहो, ऐसी जगह पे खड़े हो गए तो टांट बजेगी सीधा। अब केनाल का जो साइज है वो बिल्कुल पतला हो गया क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं जहाँ से शुरू किया था। ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से देखना कैफेज बने हुए हैं 5-5 लोगों की सिटिंग वाले, देखो इतनी पतली हो गई है केनाल की, सिर्फ एक ही बोट निकल सकती है, उसके अलावा जगह ही नहीं है साइड में बिल्कुल भी। भाई साहब ये कहाँ पे ले जा रहा है, तो बिल्कुल ही पिद्दी सी है यहाँ पे तो, हाँ निकल तो जाएगी खैर, बट बहुत लो हाइट है। वो देखो वो बंदा खड़ा है, उसको भी झुकना पड़ रहा है, इतनी नीचे हाइट है। नहीं नहीं दूर से लग रही थी लेकिन अभी मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, ये देखो तो इतनी ज्यादा अभी डाउन नहीं है। तो अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट ये करवाएंगे, कार्ड मशीन है इनके पास। अगर आपने कोई भी ड्रिंक नहीं लिया तो नॉर्मल वही 20 यूरो अपनी भर दो, और अगर ड्रिंक भी लिया है तो वो ऐड कर देंगे। तो हम गए थे भाई इस तरफ से, ऐसे घूम के पूरा का पूरा करके यहाँ से वापिस आ गए है इसी जगह। और अगर आप यहाँ पे बियर लेना चाहते हो ना भाई, छोटा सा कैन है हेनिकेन का 4.5 यूरो, यानी कि 450 रुपए। वैसे बियर बहुत सस्ती है एम्स्टरडैम में, किसी सुपर मार्केट में दिखाऊंगा, लेकिन बोट में बहुत महंगी मिल रही है। शायद से आप अपनी खुद की भी कैरी कर सकते हो, अपनी ले आना ज्यादा बढ़िया रहेगा। वरना इनके तो बहुत थैंक यू भाई, वरना इनकी भी हो गए तो भाई साहब लुट जाओगे, इतनी महंगी है। या फिर वो अनलिमिटेड बियर वाला पैकेज ले लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। ये आ गए भाई यहाँ के फेमस फ्राइज वाली शॉप पे, एक फ्राइज ले लेंगे, बड़े मोटे मोटे फ्रेंच फ्राइज होते हैं यहाँ के। 3 साइज है भाई इनके पास, ये आप लगे हुए मीडियम वाला लिया है हमने 6.5 यूरो का, जिसमें हमने म्यूनिस और केचप डलवाई है 650 रुपए की है भाई सब फ्राइज। बट वो ये यहाँ के लोकल है और फेमस है इसलिए खाने बनते हैं। ये देखो नॉर्मल फ्राइज से कितने ज्यादा मोटे है भाई, इन्होंने करेंसी का कलेक्शन रख रखा है और अपना इंडिया का भी 10 रुपए का नोट है यहाँ पे। अबे यार केचप बेकार लग रही है। लो जी आगे थैंक यू, क्या फालतू में केचप डलवा ली थी यार, हाय हाय एंजॉय। बढ़िया भाई टेस्ट तो वैसी है प्राइस जैसा, बस थोड़ा सा साइज मोटा है और आलू भी ना थोड़े से मीठे वाले लग रहे हैं, बट मजेदार। चलो भाई वापस आ गए हैं प्राइमार्क शॉपिंग करने। एक ये शर्ट मैंने पसंद करी थी, काफी सही लग रही है। 3 ये मैंने जोगर्स पसंद किए हैं, एक मैंने ये बैग लिया है सिटी में घूमने के लिए। ये वाला जो बैग है ना भाई, इसका सारा सामान ना फिर ऐसे पलट के आना पड़ता है, तो अभी ये वाला बैग मस्त घूमने के काम आए करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी ट्रायल रूम ही नहीं है भाई, तो मैं ये चेक कहाँ करूँ पहन के। लेकिन इनकी रिटर्न पॉलिसी होती है तो मैं वहाँ जाके फ्लैट पे चेक कर लूंगा, नहीं आता तो कल वापिस आना ही हमने यहाँ सेंट्रल में। तो अभी के लिए ये 3 और एक ये शर्ट फाइनल। जो चीज लेने आया था हुडी या फिर जैकेट वो ही नहीं मिली भाई, विंटर कलेक्शन है ही नहीं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए। ये थैला सा मिल गया भाई, इसमें जाके सारे कपड़े डाल लेता हूँ, वरना उठाने में दिक्कत होती है काफी ज्यादा ऐसे अलग अलग को। ब्लेजर वगैरह तो मिल रहे हैं यार यहाँ पे, बट मेरे को चाहिए हुडी या जैकेट, ये 3-4 ही है बस इनके पास। है भाई है ट्रायल रूम मिल गया है, तो ये तो फिटिंग भाई बिल्कुल मस्त आई है, देख रहे हो। चलो जी चलो, बिलिंग हो गई है, बंद ही हो रहा है स्टोर, इसी वजह से लाइन देखो कितनी लग गई है। टोटल 43 यूरो का सामान लिया मैंने, यानी कि 4,300 रुपए। एक दो चीजें पसंद नहीं आई थी इसलिए वापस, बट ठीक है भाई टाइम पे लाइन पे लग गया था तो जल्दी हो गया काम, वरना आधा घंटा यहीं खड़ा रह जाता। अंधेरा भी भाई ऑलमोस्ट होने ही वाला है, 8:30 बज गए। यहाँ पे ना जगह जगह पे लिखा हुआ है कि जो स्ट्रीट पे आपको लोग मिलते हैं ना, उनसे कोई भी ड्रग्स ना खरीदे, जो ऑफिशियल स्टोर्स है वहीं पे जाके खरीदो, वीड वगैरह खरीदनी हो तो। ये जहाँ से हमने लिया है भाई, इसके बैक साइड में ही पूरी की पूरी जो है वो शॉपिंग स्ट्रीट है, बट ऑलमोस्ट सारे ही स्टोर बंद हो गए इस टाइम पे। प्राइमार्क का भी टाइम जो है ना वो है तो 9 बजे तक, बट 8:30 बजे ही बोलना शुरू कर देते कि फटाफट कर लो बंद होने वाला है स्टोर। ये क्लिप रिकॉर्ड करते करते ना गलती से मैं रेड लाइट एरिया में घुस गया था, और वहां पे भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो अंदर विंडो से एक लड़की ऐसे थप थप कर कहती थी नो वीडियो। तो भाई साहब मेरी फट गई। ये वाली स्ट्रीट भाई साहब मैंने आपको दिखाई थी ना भीड़म भाड़, तो यहीं पे ही प्राइमार्क है, और इसी के आप बैक साइड में चले जाओगे ना इस वाली गली में, तो इस गली में और भी बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। भाई साहब कैंडी शॉप देखना कितनी बड़ी है और कितनी वैरायटी है वो तेरी। भाई साहब बाइकर्स का ग्रुप जा रहा है पूरा, जाओ 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 भाग जाओ। ओ भाई साहब क्या बात है लौंडे। अच्छा अपने जो इंडियन क्रिकेटर है ना सुरेश रायना, उनका एक रेस्टोरेंट खुला है भाई, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ एम्स्टरडैम में, तो काफी लोग कह भी रहे थे जाके ट्राई करना, ऑब्वियसली भाई जाएंगे, आज ही जा रहे हैं अभी। लो भाई गूगल पे तो
बंद दिखा रहा है। कितने बजे खुलेगा? अब 4 बजे अगले दिन। पता नहीं वेडनेसडे क्लोज दिखा रहा है खाली, और ये है भी नहीं यहाँ सेंटर में, देखो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। कोई नहीं, चलो कल भी है हमारे पास यहाँ पे, परसों का भी दिन है तो कभी ना कभी तो ट्राई कर ही लेंगे। वहाँ तो गई नहीं बट एक ये मिल गया रेस्टोरेंट भाई तुलसी के नाम से, चलो यही खा लेते खाना। भाई साहब बाहर के लोग भी इंडियन खाना इतना खाते हैं, मेरे पीछे भीड़ देख लो कितनी खतरनाक लगी हुई है, और इंडियन लोग कम दिख रहे हैं बाहर के लोग ज्यादा दिख रहे हैं। भाई साहब इनका तो मेन्यू देख के हालत खराब हो गई, इतना महंगा है। एक नॉर्मल सब्जी लोगे वेजिटेरियन तो 1600-1700 रुपए की है, और चिकन की डिश है 2000 रुपए की। भाई साहब वो छोड़ो भाई, बटर नान है 4.25 यूरो यानी कि 400 रुपए का, महंगा तो है भैया, और वो भी मेन एम्स्टरडैम का जो सेंटर है ना इसलिए। बट कोई नहीं, अब खा लेते हैं। भाई 53 यूरो का बिल आया, यानी कि 5000 रुपए के आसपास, एक बंदे के 2500-2500 रुपए। और पानी भाई साहब गलती कर दी मंगवा के, 700 रुपए की बोतल दी है जरा सी। भाई साहब बताओ हद हो गई, पानी भी इतना महंगा। बाकी 10:30 बज चुके हैं रात के, और इस तरह का माहौल है कुछ बाहर वाली रोड पे। अंदर चलते हैं, वहीं पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है ना जहाँ पे, वहाँ देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं। एम्स्टरडैम की पतली पतली गलियों में से निकलते हुए जा रहे हैं भाई रेड लाइट एरिया के लिए। इस एरिया में तो है भाई भीड़ भड़का, और ट्रैम भी अभी तक चल रही है, 11 बजने वाले हैं बस थोड़ी देर में। भाई साहब यहाँ तो मस्त लाइट है चला दिए इन्होंने, कितना सही लग रहा है। और यहाँ से जो है ना मेन सेंटर शुरू हो रहा है, सेंटर नहीं मतलब जो स्ट्रीट है अंदर की, वहाँ तो बहुत था भाई कि एम्स्टरडैम रात में भी मस्त चहल पहल वाला रहता है, बट ये जो पीछे वाला एरिया ना यहाँ पे इतनी चहल पहल नहीं है, पूरा बंद हो चुका है, रेस्टोरेंट्स भी बंद हो चुके हैं भाई 10 बजे ही सारे के सारे। तो हम भाई उधर सामने से आए हैं, एंड ये आ गया वो केनाल वाला एरिया जहाँ से हमने बोट राइड के लिए चढ़े थे। तो यहाँ तक तो भाई बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, एंड वो एक सामने चर्च भी है। बट इधर देखोगे ना ये सामने वाली गली भाई, यहाँ से शुरू होता है पूरा रेड लाइट एरिया, और इसके आगे से कैमरा या फोन यूज करना अलाउड नहीं है क्योंकि पुलिस की भी गाड़ियां घूम रही है यहाँ पे काफी ज्यादा, तो आप नहीं बना सकते वीडियो। ये देखो भाई पुलिस की गाड़ी में कह रहा था ना, वो यहीं पे ही जो है घूम रही है। ये है भैया एम्स्टरडैम का फेमस रेड लाइट एरिया पूरा का पूरा, ये वाली स्ट्रीट भी और ये वाली स्ट्रीट भी, वो आगे तक देख रहे हो आप लाइटें जल रही है जहाँ पे, बहुत टूरिस्ट है, भर भर के लोग आए हुए देख रहे। चलो भाई वहां से निकल के आ चुके हैं, हमने तो एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप लोग आओगे तभी एक्सपीरियंस करना, क्योंकि यूट्यूब पे भी कमी वीडियो मिलेगी मेरे ख्याल है भी नहीं जिन्होंने प्रॉपर दिखाया, क्योंकि अलाउड नहीं है ना एक तो मेन वो है। बाकी अभी हम जा रहे हैं वापस से वही सेंट्रल स्टेशन ट्रैम पकड़ने के लिए। थोड़ा सा ना मतलब अजीब था कि बिल्कुल ऐसे सेंटर में ही जो है वो जहाँ पे सब टूरिस्ट घूमने आते हैं वहीं पे ही एरिया बना रखा है पूरा, और वहीं पे फैमिलीज जा रही है, काफी इंडियन फैमिलीज भी थी, ठीक है, बट ये कुछ यूनिक चीज है। मतलब आप आओगे एम्स्टरडैम तो यहाँ पे तो आओगे ऑब्वियसली। बाकी बाहर का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हालांकि वीड वगैरह तो आपको खुशबू आती रहेगी यहाँ पे भी, खुशबू बदबू जो भी बोल लो। जितने भी आपको कॉफी शॉप दिख रहे हैं ना भाई, ये कॉफी शॉप नहीं है, ये यहाँ पे वही है फूकने के लिए आते हैं लोग। सामने स्टेशन भाई, यहाँ भी सही माहौल लग रहा है, ज्यादा ऐसे भीड़ भाड़ नहीं है। ये सब चीजें जो भी हो रही है ना यहाँ पे इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है प्रोस्टिट्यूशन भी और ये वीड वगैरह भी। हालांकि वीड पे एक लिमिट है कि आप कुछ ग्राम से ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा, बट आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो या कोई भी नॉर्मल बंदा आ रहा है वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो कर रहा है लीगली, और सेम प्रोस्टिट्यूशन का। रात को देखना कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ही इनके इतने खूबसूरत होते कि आसपास का पूरा ना नजारा ही खूबसूरत बना देते हैं। ये आ गई है भाई ट्रैम, हमें 26 नंबर ही लेनी है, जिस ट्रैम में हम आए थे वही सेम यहाँ से वापस जाती है, क्योंकि ये जो सेंट्रल स्टेशन है ना यही आखिरी स्टेशन है, यहाँ से वापस यू टर्न लेके चली जाती है फिर ट्रेन। वो देखो सामने वहाँ पे भी मस्त मस्त बिल्डिंग दिख रही है। अभी तो हमने भाई ये जो एम्स्टरडैम का सेंट्रल एरिया था ना सिर्फ ये एक्सप्लोर करा है, कल हम भाई बहुत सारी और चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्पेशली म्यूजियम पैलेसेस, और इसके अलावा भाई एक मूवी है फॉल्ट इन अ स्टार्स, जिन्होंने देखी है उनको पता ही होगा, उसका भी शूट काफी हद तक यहाँ पे हुआ है, एंड पूरी मूवी की जो स्टोरी थी वो एम्स्टरडैम से काफी ज्यादा वो है, मतलब क्या कहते हैं, तो मेरी वो फेवरेट मूवी है, इसलिए उस मूवी में जो जो प्लेसेस थी भाई वो मैं यहाँ पे जाके ढूंढने वाला हूँ, स्पेशली वो बेंच। तो किसी ने देखी अगर वो मूवी तो मुझे कमेंट्स में बताना जरा, फिर साथ एक्सप्लोर करेंगे। मतलब आप तो आ नहीं पाओगे, आप वर्चुअली करना, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे फिजिकली। ऐसी एक कल साइकिल भी रेंट करेंगे 24 घंटे के लिए ताकि पैदल ना चलना पड़े, आज भी बैंड बज गई पैरों की चल चल के, कल मस्त साइकिल में एक्सप्लोर करेंगे पूरा एम्स्टरडैम। ए फ्यू मिनट्स लेटर हम यहाँ पे बैठे हुए, भाई साहब मेरा फोन ही उठा के ले गया बंदा, और एक बंदा दूसरा यहाँ से जा रहा उसने बताया, भाई साहब फट गई मेरी तो। यहाँ रखा हुआ था हम यूं बैठे हुए नॉर्मली, पीछे से आया और कब ले गया पता नहीं चला, और वो एक भला आदमी यहाँ से जा रहा था तो हमें लगा वो ने तो पीवी रखी है ना, यूं ही बोल रहा है और कह रहा फोन है ना, क्या फोन, देखा तो मेरा ही फोन का है। भाई साहब बच गए भाई, ये तो संभाल के रखू पहले, मेरे को पता था इन एरिया में चोरी बहुत होती है, मैंने कहा बिल्कुल साइड में ही तो है भाई, क्या भनक लगी जाएगी, कोई हाथ लगाएगा, कितना सफाई से लेकर गया पता ही नहीं चला। बताओ मेन तो फोन का नहीं है, चलो वो तो नुकसान होता, मेन है डेटा, 3 व्लॉग का डेटा इसी में पड़ा हुआ, तो 3 व्लॉग भी जाते मान लो भाई, पासपोर्ट तो मेन है, फोन तो चला जाए कोई नहीं, पासपोर्ट गया तो फिर तो बैंड बजेगी। ओ भाई मेरे को और वो अच्छा वो बंदा रुक गया, जैसे हम भागे
भागे ना उसके पीछे, वो बंदा खुद ही रख के चला गया बताओ फोन। अगर वो भागता तो मैं कहां तक ही भाग लेता उसके पीछे। उधर जाओ, मैं क्या सुधरूं। शुक्र है भाई, अभी फटका लग जाता उस बंदे ने बता दिया। चलो जी चलो निकलते हैं, अब यहाँ से 11:30 हो गए। वैसे एप्पल के डिवाइसेस का ना ये फायदा है कि इसमें वो फाइंड माई वाली ना एप्लीकेशन होती है, तो मेरे पास जो दूसरा आईफोन है उसमें भी यही एप्पल आईडी डली हुई है, इसमें भी एप्पल आईडी डली हुई है। मैं उसकी ऐप से पता लगा सकता था फोन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ पर है, लास्ट लोकेशन कहाँ है, तो इतनी दिक्कत होती नहीं। बट भाई चोरी हो गया। बताओ वो बंदा अच्छा भला आदमी था यार सही में, कि बता दिया उसने हाथों। वो दूसरा बंदा जो चोरी करके लेकर गया ना, वहां खड़ा हुआ था, जैसे उसे दिखा ना कि मैं भागता हुआ आ रहा हूं, वो खुद ही छोड़ के चला गया भाई फोन। अगर 5 मिनट भी और लेट होता ना, वो लेके चला जाता, मिल तो जाता, बट फिर वो ये ट्रैक व्रैक करना पड़ता पूरा। इसलिए भाई मैं हर चीज में एयर ड्रॉप डाल के रखता हूँ अपने पर्स वर्स में, हर जगह चोरी वोरी हो इन देशों में, क्योंकि अब जितने भी आगे के देश आएंगे ना अपना, ये स्पेशली फ्रांस इटली वगैरह, यहाँ पे तो बहुत चोरी होती है। मेट्रो में पर्स निकाल के ले जाते हैं, पासपोर्ट चोरी हो जाता है, पैसे तो खैर छोड़ते ही नहीं है। मेन तो वही है, पैसे तो $500-600 या यूरो चोरी हो जाए इतना दुख नहीं होगा, पर पासपोर्ट चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया, डेटा चला गया, लैपटॉप चोरी हो गया, उसमें दर्द होता है ज्यादा। उसके लिए एयरटैग जिंदाबाद। लो जी लोग काफी डिले होके आई है, वेट कर रहे थे 10 मिनट से, बट मिल गई है, शुक्र है। नो स्टॉप जाना है यहाँ से, नो मतलब कि 9 स्टॉप। ऐप तो खोली नहीं थी, अब याद आया भाई ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। इस टाइम तो भाई खाली पड़ी है ट्रैम, देखो उधर ही है थोड़े बहुत लोग इस टाइम पे, क्योंकि सारे वही है टूरिस्ट ही है जो सेंटर से अपने अपने घर जा रहे हैं या फिर अपने अपने होटल जा रहे हैं। क्योंकि जो भी जॉब या ऑफिस वाले लोग होते हैं वो तो 5 बजे तक ही होती है उनकी जॉब, जिनकी दुकानें भी है ना अपना रिपेयरिंग की या पंचर वंचर की, वो भी 5 बजे बंद करके अपने घर चले जाते हैं फैमिली टाइम उसके बाद। और ये पूरे यूरोप में देखे हमने, खाली एम्स्टरडेम में नहीं, हर जगह पे 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ उसके बाद अपना ये खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गई। बस चलो जी आ गया हमारा स्टेशन, अब यहाँ से 600 मीटर की वॉक है। बाकी आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।